दोस्तों ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में खुद कई बेवकूफ बना बैठे रियान पराग। कर दी नोबॉल तो भड़क गए गौतम गंभीर। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब मलिंगा बनने के चक्कर में रियान बांग्लादेश को फ्री हिट दे बैठे? क्यों गंभीर को उनका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया? उस खतरनाक मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी रियान पराग और नीतीश रेड्डी को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया बांग्लादेश दूसरे T20 मैच में रियान पराग की बॉलिंग के दौरान एक गजब का मोमेंट देखने को मिला। जी हां, दरअसल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 221 रन बना डाले। पहले बैटिंग करते हुए तो इसका पीछा करते हुए बांग्लादेश का पूरा ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। हालात तो ये थे कि 46 रनों के भीतर ही उनके चार बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया की जीत तो निश्चित थी, लेकिन पारी का 11वां ओवर लेकर आए रियान पराग कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। जी हां दोस्तों, सूर्या ने रियान पराग को बॉलिंग दी थी, जिनका पहले ही गेंद पर महमदुल्ला ने स्वागत एक जोरदार लंबे छक्के से किया था। ऐसा लगा था कि कहीं रियान पराग का ये प्लान फ्लॉप ना हो जाए। हालांकि उन्होंने अगली दो बॉल पर कोई भी रन नहीं बनने दिया, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग चालाकी दिखाने के चक्कर में मलिंगा बन गए और उन्होंने बहुत ही बाहर से एक ऐसी गेंद फेंकी कि जिस पर बल्लेबाज का एम्पायर से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और फैन भी हैरान रह गया था। उनका जो एक्शन था वो लेजेंडरी गेंदबाज लसित मलिंगा जैसा था, लेकिन गेंद ठिकाने पर नहीं थी, क्योंकि अचानक से गेंदबाजी एक्शन में बदलाव करने के चक्कर में ये खिलाड़ी संतुलन खोकर क्रीज से बहुत बाहर चला गया था, जिस कारण एम्पायर ने पहले तो उनकी बॉल को सही मानने से इनकार कर दिया और फिर जब थर्ड एम्पायर के पास फैसला गया तो उन्होंने तो इसे नो बॉल तक दे दिया। बस यही मोमेंट देखकर गौतम गंभीर बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि बांग्लादेश को मुफ्त में ही एक फ्री हिट मिल गई थी और रियान पराग ज्यादा चालाकी दिखाने के चक्कर में अपना ही बेवकूफ बना बैठे थे। हालांकि रियान पराग ने बहुत जल्द अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर मेहंदी हसन मिराज का शिकार भी कर लिया, लेकिन रियान पराग ने जैसे मलिंगा बनने की कोशिश की और बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। अब उनकी ये बेइज्जती का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एक बार फिर उनसे मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाजी कर पूरे क्रिकेट जगत में मचाया तांडव। मैदान में चौके छक्कों की बरसात कर बांग्लादेश की टीम ने चटाई धूल, बना डाले 300 से ज्यादा रन। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के तूफान में उड़ गया बांग्लादेश, कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने रच दिया नया इतिहास, ये सब और इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ग्वालियर के मैदान पर 7 विकेट के ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम और बांग्लादेश दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर दूसरा T20 मैच खेलने के लिए आमने सामने हुए। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण था, यानी यूं कह लीजिए सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला खेला गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए जब उतरी तो टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ने की। दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में संजू सैमसन केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। टीम इंडिया बिछड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। एक तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला चल रहा था और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने तो ठान लिया था कि वो यहाँ चौकों के अलावा छोटे मोटे रन बनाने नहीं वाले। और दोस्तों देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी केवल 16 गेंदों में पूरा कर दिया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे और दोस्तों 50 रन जड़ देने के बाद सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के एक भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। इस दौरान तस्कीन अहमद, सौरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान सभी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट गिराया जाए, मगर सूर्य कुमार यादव T10 में अंदाज में रन बना रहे थे। उनका बल्ला तेजी से दहाड़ रहा था, उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शक फील्डर बन चुके थे और वही फील्डर दर्शक बन चुके थे। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से रन बना रहे थे वो देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था। सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो देखकर तो लग रहा था कि आज बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि उनके बल्ले से केवल चौके और छक्के ही निकल रहे थे। देखते ही देखते अपने बल्ले की दहाड़ से सूर्य कुमार यादव तो अपना शतक भी ठोक गए। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने केवल 35 गेंदों में 104 रन की पारी खेली और अपनी उस पारी में सूर्या ने 10 चौके और 6 बड़े छक्के भी लगाए। लेकिन वहीं सूर्य कुमार यादव का साथ दे रहे अभिषेक शर्मा अपना विकेट खो बैठे, मेहंदी हसन का शिकार हो गए और 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हार्दिक पांड्या मैदान पर आते ही किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले। मेहंदी हसन के ओवर की पांचवी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी हार्दिक पांड्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर मेहंदी हसन की जमकर कुटाई कर दी। अभिषेक शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या का भी तूफान देखने को नहीं मिल रहा था। हार्दिक पांड्या अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अगला ओवर बांग्लादेश की तरफ से लेकर आए शाकिब अल हसन को तो हार्दिक पांड्या ने अकेले ही कूट दिया। इस ओवर में हार्दिक ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार चार छक्के जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद भी हार्दिक पांड्या का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक से लेकर बांग्लादेश के कप्तान हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। और देखते ही देखते हार्दिक ने केवल 10 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो लग रहा था आज टीम इंडिया 300 रनों के पार का स्कोर बांग्लादेश के सामने देने वाली है। और ठीक वही हुआ। हार्दिक पांड्या अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे। सूर्य कुमार यादव का भरपूर साथ निभा रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से अगला ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद को भी हार्दिक पांड्या ने नहीं छोड़ा। इस ओवर में भी हार्दिक ने दो लगातार चौके और एक छक्का जड़कर उनकी भी कुटाई कर दी और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच लंबी साझेदारी हो रही थी। वहीं हार्दिक पांड्या भी अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते हार्दिक पांड्या ने भी अपना तूफानी शतक केवल 28 गेंद में ठोककर बांग्लादेश के घमंड को दूसरे टी20 मुकाबले में भी चूर चूर कर दिया। इस लाजवाब पारी को हार्दिक पांड्या ने 8 गगनचुंबी छक्के और 3 चौकों की मदद से सजाया और बांग्लादेश के सामने अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 310 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य के साथ टीम इंडिया ने नया कीर्तिमान रच दिया। आज तक किसी भी टीम ने 300 रन का लक्ष्य नहीं दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक बैठी। अर्शदीप सिंह और मयंक यादव के तूफान में बांग्लादेश की पूरी टीम ध्वस्त हो गई और भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले को भी जीत कर भारतीय टीम ने 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया और बांग्लादेश को एक बार फिर शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम टेस्ट सीरीज के बाद टी20 सीरीज में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। पहले ही टी20 मैच में आया अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती का जबरदस्त तूफान ग्वालियर के मैदान पर रच दिया नया कीर्तिमान। भारतीय गेंदबाजों के सामने लुढ़कते नजर आए बांग्लादेशी बल्लेबाज। तो आखिर कैसे अर्शदीप ने अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के उड़ाए पर खच्चे। कितने रनों का मिला भारत को पहले टी20 मैच में टारगेट। दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले इस टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्या लगता है, भारतीय टीम टेस्ट के बाद अब टी20 सीरीज पर भी कब्जा कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीतने के बाद अब भारत और बांग्लादेश की टीम टी20 मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर लिटन दास के साथ परवेज हुसैन ईमान आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। लेकिन अर्शदीप इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 5 रनों के स्कोर पर दिला दी। लिटन दास अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। अब मैदान पर परवेज का साथ देने के लिए नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट पर केवल 6 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। इनका स्वागत परवेज हुसैन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और एक भी रन नहीं दिया। दो ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट पर 14 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और आते ही ओवर की पहली गेंद पर परवेज हुसैन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 14 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिला दी। परवेज हुसैन अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन एक तरफ से कप्तान नजमुल हुसैन शांटो मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज तौहिद हिरदोई आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। बांग्लादेश की टीम संकट में नजर आ रही थी।
अर्शदीप की आग उगलती हुई गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तीन ओवर में बांग्लादेश की टीम केवल 16 रन पर बना पाई। विकेट की तलाश में एक बार फिर हार्दिक पांड्या चौथा ओवर लेकर आए, लेकिन इनका स्वागत इस बार शांटो ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया, बल्लेबाजों को अपनी गेंद में खूब परेशान किया। चार ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 24 रनों तक